अरे आप रेडी हो गई? बाल आगे से सही नहीं करते आप, जब सही करते हो तो प्रिंसेस लगते हो। चिता, वो मैं सोच रहा था आज इनको स्कूल मैच हो रहा था। ये अच्छा, मैं बाबा स्कूल ड्रॉप करेंगे। ये नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपकी स्कूल बहन आती है, आप स्कूल बहन में जाओगे। मामा प्लीज, मुझे बाबा के साथ स्कूल जाना है। मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बताऊंगी, आज हमें बाबा स्कूल ड्रॉप करना आए थे। रामीन, जिद करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। मामा प्लीज। अरे बच्चा, आप रोज स्कूल वैन में जाते हो ना, तो फिर आज क्यों ऐसा कह रहे हो आप? रिता, ट्राई के रहा है, एक ही दिन की तो बात है, जाने दो। मैं भी यही कह रही हूँ, एक ही दिन की तो बात है। नाराज हो? नहीं। पिता, पता है तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। जब भी झूठ बोलती हो पकड़ी जाती हो, इसीलिए कह रहा हूं अगर कोई बात परेशान कर रही है तो कह दो। हाँ माँ, आप जो कुछ कर रहे हैं ना, मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा। मत, आपके जाने के बाद मैंने जिस तरह घर को संभाला है, बच्चों को संभाला है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। आप जिस तरह बच्चों की तरफ बढ़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आपने कदम पीछे रख लिए अपने, मेरे बच्चे टूट के बिखर जाएंगे। मेरी रामीन बहुत मासूम है हमारी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी अगर वो सब कुछ हादसा उसके साथ फिर हुआ तो। मैं जानता हूँ माजी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हारा मेरा किसी भी बात पर यकीन करना नहीं बनता, लेकिन लेकिन सच कह रहा हूँ, जानता हूँ मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंची है, मेरे बच्चों को तकलीफ पहुंची है, पर आई स्वेयर मैं दोबारा कभी उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो उनके बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो मैं कब कह रही हूँ कि आप उनके बगैर रहें, या उनको छोड़ दें, या उनसे ना मिलें। मैं बस ये कह रही हूँ कि जिस तरह आप रोज मिल रहे हैं उनसे, अगर उनको आपकी आदत हो गई तो वो रोज जिद करेंगे आपसे मिलने के लिए। तो मैं वादा करता हूँ मेरी वजह से दोबारा तुम्हें या मेरे बच्चों को कभी तकलीफ नहीं पहुंची, मेरी बात का यकीन रखो, क्योंकि मैं रामीन और सारंग के बगैर नहीं रह सकता।